हम आ गए हैं सरोजनी नगर और आज मैं अपने फ़ोन के फीचर्स का यूज़ करूँगी व्लॉग बनाने में। तो ये रहा मेरा फ़ोन का फीचर जिसे मैं आगे का भी दिखाऊँगी पीछे का भी। अभी शॉप वगैरह डिसाइड नहीं हुई है, डिसाइड होगी तो बताऊँगी क्या लेके जाती हूँ क्या लेके नहीं जाती। तो सरोजनी मेरा मेन फोकस गोलगप्पे पे होता है, यहाँ पे गोलगप्पे बहुत टेस्ट है। सबसे पहले गोलगप्पे खाए हमने, मैंने डेढ़ प्लेट खा लिया गोलगप्पे और अब हम जा रहे हैं। देखा मतलब अभी समझ नहीं आया क्या लूँ क्या ना लूँ, तो देखते हैं। और हाँ, मैं आज गलत फहमी दूर करने के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। सबको लगता है ना 50, 100, 150 में यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं, फिर वो उसी के लायक होते हैं, वो एक दिन भी पहनने के लायक नहीं होते। तो सरोजनी इज़ नॉट सस्ती मार्केट, महंगी मार्केट भी है, बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं, समझ में आई। और मैं जब भी लेके गई यहाँ पे मेरे 5,000 का बिल बैठा ही बैठा है। आज उतने हैं नहीं, इसलिए आज मैं सस्ते वाली शॉपिंग करूँगी, कुछ चीज़ें दिखा दूँगी कुछ चीज़ें नहीं दिखाऊँगी। देखते हैं, अच्छी लग रही हूँ मैं बाय। मतलब मैं अपने आप को ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी जब ब्लॉग देखूँगी तो मुझे अपने आप को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए अपने आप को भी दिखा रही हूँ। क्योंकि मतलब भीड़ में जाने का ना पसंद नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं। मैं वो करना भूल गई, हेलो गाइस मैं चप्पल ट्राई कर रही हूँ और चप्पल मुझे ख़राब आई तो मैंने चप्पल छोड़ दी। तो मैं ये बोल रही हूँ हेलो गाइस मैं पापड़ खा रही हूँ। अभी मैंने एक दो सामान लिया है वो दिखाने लायक थे, मैं दिखा नहीं रही, बाकी आगे कुछ लेती हूँ तो दिखाऊंगी, ठीक है बाय। मुझे बड़ी शर्म आ रही है आज ब्लॉग बनाने में, इतने गंदे गंदे कपड़े मिल रहे हैं। मैंने जो खरीदने आई थी वो भी मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस एक इनर खरीदी 80 रुपये की, क्योंकि वो भी मुझे ब्लैक नाइट शर्ट पे पहनती है और कुछ तो मुझे चाहिए नहीं भाई, कुछ पसंद ही नहीं आया, कपड़ा देख के मुझे मरने का मन हुआ तो बस अब फाइनली टिक्की खा रही हूँ भाई, उसका पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो इसी पर चलो मैं थोड़ा वही कर लेती हूँ, खाने वाला ब्लॉग अच्छी नहीं आ रही, अभी आ रही है अच्छी आ रही है। आज कल सरोजनी नहीं आऊँगी, अगर सूटना फिरना हूँ महंगा वाला बंद कर देना, मैंने जाती हूँ आप लोग पक्का। तो मुझे मिला ही नहीं कुछ, तो मैंने खरीदा नहीं कुछ, सॉन्ग चल रहा था ना उसको थोड़ा म्यूट कर देना अपने कानों से, मेरा कॉपीराइट ना लग जाए तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं आ गई हूँ घर, मुझे वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया, कुछ भी नहीं। और जो थोड़े स्लीवलेस टॉप मुझे पसंद आते उनका कपड़ा ऐसा लग रहा था लाइक बहुत पुराना टाइप है, मैं शॉप से लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि शॉप से लेने से अच्छा मैं वेस्ट साइड से ले लूँ, वेस्ट साइड से ले लूँ, तो फिर मैंने लिया नहीं और पैसे भी नहीं थे। तो इन शॉर्ट में तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो जो पसंद है वो भी दिखाऊं, छोटी ने किया अब बड़ी थप्पड़ मारूंगी, मेरे पे झूठा झूठा नाम मत लगाइए अटल है। तो ऐसे मत कर यार छोटी, तुम लोग एकदम बदतमीज होता जा रहा है। तो ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, लेके भाग गया था तो मैं लॉक करके वीडियो बना लेके भाग गया था दोनों वीडियो में सड़ाते और बाद में लेके भाग जाता है यार। oh और पता क्या हुआ, भगवान मेरे साथ था, ये भागा और सीढ़ियों पे इसको इतनी जोर से कोनी पे लग गई अभी तक बेचारा दर्द में है। और इसका वो टैटू मेकर, वो तो छपरी था पूरा टैटू मेकर, उसका टैटू जो था ना पहला खराब फिर दूसरा भी खराब, इसके खून निकल गया और वो बोलता है मैं ब्रांडेड ब्रांडेड हूँ, पूरे हाथ में लगा रखा है मतलब उससे मत करवाना, इसने भले अपने ब्लॉग में बोला हो उससे करवाना लेकिन उससे आप मत करवाना। मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, बाल कटवाने वाला ब्लॉग बनाया है। बिखरने का हमको शौक तो नहीं है। इसी के साथ मेरा शॉपिंग ना कर पाने वाला ब्लॉग खत्म होता है। मैं जल्दी जब मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो जाएंगे ना, मैं जल्दी नया आईफोन लेने वाली हूँ, तो नज़र ना लगे
पिछली बार जब मैंने बोलता ना माई फोन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी मैं आई फोन लूँगी, और ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं, मैं ई एम आई पे लूँगी। तो आप बस मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, ओके बाय, और ज़रूर पूरा व्लॉग देखना, कुछ भी नहीं है व्लॉग में, आपको मज़ा आएगा।